नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसकी जबरदस्त डिमांड है, साथ साथ ये भारत की सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस मॉडल है। और अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो यहाँ से आप जो है 4 से 5 लाख रुपए महीने तक का अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिस बिजनेस की अगर आप शुरुआत करते हैं तो कस्टमर की लाइन लगने वाली है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर इतने सारे लोग आएंगे कि आप जो है उनसे डील भी नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा है। और जब इतने ज्यादा लोग आपके स्टोर तक आएंगे दोस्तों, तो इसका मतलब सीधा साफ हो जाता है कि आपके पास प्रॉफिट का भरमार लगने वाला है, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के सामने आने वाली है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिस बिजनेस मॉडल से 50% से लेकर के 70% तक मार्जिन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस आइडिया क्या है, किस तरह से आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है RBM डेली फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई एक ब्रांड 99 टेस्टी हाइजीनिक हब, यानी कि एक ऐसा ब्रांड जिस ब्रांड में टेस्ट और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। किसी भी बिजनेस के अंदर अगर वो फास्ट फूड के अंदर आता है या फूड सेगमेंट के अंदर आता है तो टेस्ट के साथ साथ उसके हाइजीन की इम्पोर्टेंस क्या हुई है ये आज आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज कोविड का जब समय चल रहा था तो उस वक्त देख रहे थे कि कोई भी बंदा एक दूसरे से टच होने में भी कतरा रहा था। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप खाने को यूज करने जाते हैं या खाना खाने जाते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो फूड है वो किसी और के साथ या किसी और के फूड के साथ या जूठे आइटम के साथ वो टच हो। और अब आप जरूर कह रहे होंगे कि यार आजकल के तो लोग ग्लव्स यूज करके और आपसे फूड सर्व करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि एक बंदा जो दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक अगर एक ही ग्लव से फूड सर्व कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं फूड वो किसी न किसी के प्लेट में जरूर टच हुआ होगा और वो हाइजीन जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे में कंपनी ने ऑटोमेटिक सिस्टम लॉन्च किया है जिस सिस्टम के जरिए आपको ये जो मशीन है ये मशीन सर्व करेगा और इसमें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी जो आपके लिए जरूरत की चीजें हैं। तो इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे कि किस तरह से मशीनें सर्व करती है और साथ साथ किस तरह से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि किस सेगमेंट में ये फ्रेंचाइजी काम कर रही है। तो ये फ्रेंचाइजी जो है वो दो तरह के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें से पहला सेगमेंट आता है दोस्तों वो सेगमेंट है पानीपुरी का और दूसरा सेगमेंट है भेलपुरी का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सेगमेंट हैं जो ऐड ऑन किए जा रहे हैं, जैसे टी से रिलेटेड बिजनेस भी इसके साथ साथ ऐड ऑन हो रहा है, यानी कि आप जो है एक छत के नीचे बहुत तरह की सर्विसेज जो है आप अपने कस्टमर को दे पाएंगे। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर वेराइटीज जो है, मेन्यू जो है वो इतना दमदार है कि आप जो है जाने के बाद से लौट कर आना पसंद नहीं करेंगे बिना टेस्ट लिए। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर ये गार्लिक फ्लेवर से लेकर के चॉकलेट फ्लेवर, बीटरूट फ्लेवर और बहुत तरह के चीज फ्लेवर से रिलेटेड बहुत तरह के फ्लेवर अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 99 से ज्यादा फ्लेवर जो है वो इस कंपनी के साथ अवेलेबल है। इसी तरह से बात करें तो भेलपुरी की तो वहां पर भी फ्लेवर अवेलेबल है, और चाय सेगमेंट की भी बात करेंगे तो वहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो यहां से आप अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हैं। एक ब्रांड जितना तेजी से बढ़ता है उतना ही वैल्यू करता है उसका ब्रांड एम्बेसडर, और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ईसा जी हैं जो ऑलरेडी मिस इंडिया रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका लेबल या इस ब्रांड का जो लेबल है वो ऑन टॉप है एक बिजनेस के हिसाब से। और अगर आप इस बिजनेस के साथ जुड़ेंगे तो आप भी अच्छे खासे कस्टमर के साथ काम कर सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहेंगे तो इसके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो स्पेस रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 300 से लेकर के 450 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास है तो ये फ्रेंचाइजी आसानी से काम कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि इस फ्रेंचाइजी के अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं वो ऐसे सिस्टम हैं जिसके चारों तरफ लोग खड़े होकर के और इसका डिशेज का जो है वो आनंद लेते हैं।
तो आपको इस तरह के सिस्टम जो है वो कई सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे एक छत के नीचे, तो इसलिए आपको एक अच्छा खासा स्पेस रखने की ज़रूरत है। अगर आपका ये जगह किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, या बस स्टैंड है, या रेलवे स्टेशन है जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आपको अच्छे खासे मुनाफे हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 3 लाख रुपीज़ प्लस GST, ये जो रिक्वायरमेंट है ये है फ्रेंचाइजी फीस का। इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगा, इसके साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइन के जो खर्च है और बाकी के जो डेकोरेशन ब्रांडिंग से रिलेटेड जो खर्च है वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर 6 लाख से लेकर के 12 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड जगह पे करेगा, उस लोकेशन पे करेगा जिस जगह पे आप जो है इस तरह की बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इससे कितनी प्रॉफिट हो सकती है। आपके दिमाग में एक बात और चल रहा होगा कि अगर हम ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ काम करेंगे या ऐसे ऑटोमेटिक बिजनेस के साथ काम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा फूड पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो फूड है वो 20-30 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम 30 रुपए की बात करें तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में आप आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह का भीड़ आप यहां पर देख रहे हैं, इस तरह के भीड़ को देखने के बाद आप ये आसानी से कह सकते हैं कि आप जो है दिन भर में कम से कम 1000 प्लेट तो बेच ही सकते हैं। अगर आप 1000 प्लेट भी बेचते हैं एक दिन का और 30 रुपए के हिसाब से बेचते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप जो है 30,000 महीने का प्लेट जो है वो बेचने वाले हैं। और 30 रुपए के हिसाब से बात करें तो 9 लाख रुपए का सेल जो है वो महीने का निकालने वाले हैं और आप जो है इससे प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर और भी सेगमेंट है, भेलपूरी के अलावा चाय की भी सर्विसेज है, स्नैक्स की भी सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर मिला दिया जाए तो ये 9 लाख से ज़्यादा का सेल जो है वो निकल सकता है बहुत ही आसानी से। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 50% से लेकर के 60% 70% तक का है। तो अगर 50% भी कंसीडर किया जाए तो 4,50,000 रुपया आपके जेब में आने वाला है एज अ प्रॉफिट। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल और क्या क्या ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों का, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कंपनी की पूरी डिटेल दे रखी है, आप वहाँ पर जाइए, कॉन्टेक्ट कीजिए और एक एक चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बताया गया वो सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा इसी तरह के वीडियोज को सबसे पहले आपको देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय भारत।